ये बहुत ही कीमती रोबोट है रे बाबा। और मालूम है इसके अंदर देश के दुश्मनों की बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है और वो लोग मुझसे उसे छीनना चाहते है। इसको कैसे भी करके पुलिस तक पहुंचा दो, वो बदमाश लोग इसे मुझसे छीनना चाहते। ये पता करना होगा कि ये सब चक्कर क्या है। रोबोट कहाँ है? रोबोट मेरे पास नहीं है, भागते समय मेरे हाथ से कहीं गिर गया। झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा, उस रोबोट में हमारे खिलाफ कई सबूत हैं। अगर वो हमें नहीं मिला तो तुम भी नहीं बचोगे। वो अंकल तो बहुत मुसीबत में है, इस रोबोट में सच में कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं। मैंने इसको उस तरफ से भागते हुए आते देखा था, जरूर इसने वही कहीं रोबोट को छुपाया होगा। वो रोबोट उस बच्चे के पास है, जल्दी चलो। वो लोग अपनी तरफ आ रहे हैं, जल्दी भागो यहाँ से। भाग जाओ, कुछ भी हो रोबोट इनको मत देना, पुलिस के पास जाओ। यूडी, हम लोग यहाँ से जाएंगे, तुम लोग मेरे दोनों साइड्स में लाइन से अपनी साइकिल्स खड़ी कर लो। ए बच्चे, भागने का कोई रास्ता नहीं है अब। लाओ, वो रोबोट मुझे दे दो। रेवा, अभी सब साइकिल्स जुड़ जाएंगे, इन्हें एक सीधी लाइन में रखना, मैं अभी आया। ए बच्चे, वो रोबोट हमें दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। बच्चा ही समझ के हम खाली हाथ आ गए। रुक, अभी लेजर गन लाते हैं। ओके, ऑल रेडी, सेडी एंड। एक मिनट, रेडी पर किस लिए? उस पार जाने के लिए। एंड गो। कहाँ जा रहे हो? ये बच्चे हैं या स्टंटमैन? अब चिल्लाना बंद करो, हम नीचे आ चुके हैं। शकीरा को बताना होगा, वो बहुत नाराज होगा। बॉस बॉस, आपका फोन। शकीरा बोल रहा हूँ। क्या, कैसे? ये बच्चे कहाँ से आ गए? पकड़ो उन्हें, ढूंढो, मुझे वो रोबोट चाहिए। शकीरा का दिमाग घूम गया तो पूरी दुनिया को घुमा दूंगा, समझे? यस बॉस, यस, हम उनके पीछे ही जा रहे हैं, आपको खबर देते रहेंगे। खबर नहीं, मुझे रोबोट चाहिए, रोबोट। लड्डू सिंह जी सुनिए। हाँ, ओके, तुम लोग वो रोबोट संभाल के रखो और वैली में कहीं अच्छी जगह ढूंढ के छुप जाओ, मैं अभी आता हूँ। ओके, चलो बाय।
शिवा, वो लोग तो नीचे ही आ रहे हैं, अब क्या करें? लड्डू सिंह जी को पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, शाम भी होने वाली है, हम लोगों को कहीं छुप जाना चाहिए। वो वहाँ, वो केव अच्छी रहेगी। ये केव कितनी डरावनी है, मुझे तो जंगली जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। और अगर रात में कहीं से एलियन आ गए तो? तू तो बड़ा डरपोक है, जब मैं साथ हूँ तो किस बात का डर? पता है, एक बार गांव में शेर आ गया था, सब चिल्ला चिल्ला के भाग रहे थे, मैंने एक मशाल जलाई और शेर को मशाल से डरा डरा के भगा दिया। ओए फेकुराम, कभी तो शर्म किया करो, जब देखो फेंकते रहते हो। पर आदि की एक बात तो सही है, रात का टाइम है, हमें अपनी सुरक्षा और ठंड से बचने के लिए आग तो जला ही लेनी चाहिए। आदि, यूडी, तुम दोनों लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आओ, मैं आग जलाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं, नहीं, हम लकड़ी लेने नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ आदि? तुम तो शेर को भगा सकते हो, अभी तो सिर्फ लकड़ी लानी है। अब दो पत्थरों को रगड़ो तो चिंगारी निकलेगी और आग जलेगी। ये! ये! आग जल गई! हेलो एवरीबॉडी, My name is Chubby Tubby Robot. Hello, hello, Chubby. Wow, ये रोबोट तो बोलता भी है। Hello, how are you, Chubby Tubby? ये शिवा है, मैं हूँ रेवा और ये है आदि यूडी। Hello, आदि। Hello, यूडी। Hello, शिवा। Nice to meet you. Chubby Tubby, तुम और क्या क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है ना? उसके बारे में बताओ। नो नो, वो सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बता सकता, मैं खुद भी उसको नहीं जान सकता, मेरे अंदर ऐसी कमांड नहीं है। अब इट्स ओके चबी टबी, तुमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कम हम लोग आग सेकते हैं। आदि, यूडी, अब चबी टबी भी हमारे साथ है, अब कोई डर नहीं है। मैं आग ठीक करता हूँ, तुम दोनों थोड़ी और लकड़ियाँ ले आओ। रुक जाओ, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। वो क्या है? ये जरूर कोई एलियन है। आदि, यूडी, कुछ नहीं हुआ, आग खोलो। ये लो लकड़ियाँ। चबी चबी, ये तुम हो? बेड़ा राम, वो देखो कुछ रोशनी दिख रही है और वहाँ कुछ लोग भी हैं। चलो उनसे पूछते हैं। आओ। परसा, अगर ये वही लोग हुए जो बच्चों के पीछे पड़े हैं तो? पेड़ा राम, लड्डू सिंह 50-50 किलोमीटर दूर तक के चोर गुंडों बदमाशों को अपनी पैनी नजर से पहचान सकता है, समझे? हमारा नाम ऐसे ही फेमस नहीं हो गया, ये भले लोग दिखते हैं। चलो चलो। हेलो, सुनिए भाई साहब, क्या आप लोगों ने यहाँ चार छोटे बच्चों को देखा है? वो एक रोबोट लेकर कुछ गुंडों से बचने के लिए इस जंगल में छुपे हैं। बोलो, देखा है? हाँ हाँ इंस्पेक्टर सर, हमने उन बच्चों को बड़ी हिफाजत से अंदर वैन में रखा है। आइए आइए।
देखा पेड़ आराम, मैंने कहा था ना ये भले लोग हैं, खाम खा शक करते हो। चलो सुनो भाई, हमको कंबल की तरह क्यों पीट पीट के धो डाला ये तो बता दो। हम ही वो लोग हैं जिसको बच्चों से रोबोट चाहिए। चलो जोर जोर से उन्हें आवाज दो, वो तुम्हारी आवाज को सुन के चिल्लाएंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। सर, अपनी नजर को और पैना करने के लिए चश्मा लगाना पसंद करेंगे कि लेंस? पीड़ा राम, चश्मा और लेंस बाद में, अभी भागो। भागो, भागो। पेड़ आराम, बच्चे मिल गए, आओ आओ चलो। ये क्या है? शिवा, शिवा, उठो, उठो। मेरी किस्मत में हर समय पिटना ही क्यों लिखा है? करता हूँ भला, तो हर वक्त मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है? हाय। चबी चबी, स्टॉप। ये हमारे दोस्त हैं। दोस्त, दोस्त, ओके। लड्डू सिंह जी, ये वो रोबोट है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप अपने पास संभाल कर रखिए। शिवा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस रोबोट की सुरक्षा मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूँगा। ओके। शकीरा, बच्चे मिल गए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वरना मेरा दिमाग घूम जाता तो पूरी दुनिया को घुमा देता। हमें यहाँ से उड़कर ही जाना होगा, चलो साइकिल अटैच करो। नहीं, चुपचाप लैंड कर जाओ, वरना मेरा दिमाग घूम गया तो पूरी दुनिया को घुमा दूंगा। ओह नो, मैं सबकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। वो रोबोट मेरे हवाले कर दो बच्चे। जाओ छीन लो उस बच्चे से। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। पकड़ो उस बच्चे को। Oh!
अरे मैं तुम्हारे साइड हूँ। शकीरा का दिमाग घूमता है तो पूरी दुनिया को घुमा देता है। लो ये तो खुद ही घूम गया। तुम सबको जेल चलना होगा और वहीं चल के देखेंगे कि इस रोबोट में क्या क्या राज छुपे हैं। थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम लड्डू सिंह जी। लड्डू सिंह जी ये लीजिए, ये रहा आपका दोस्त चबी चबी रोबोट। शिवा तुम ही इसे लेकर चलो, इसके मूड का कोई भरोसा नहीं, कब मुझे उठा के फेंक दे।